हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़ प्लांट की डाई बैग की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, उसे प्लांट की बंच काली पड़ जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ ये डैमेज होने लग जाती है और धीरे धीरे हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है। तो ये जो बीमारी है इसको डाई बैग कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमारे प्लांट का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और ऊपर से फंगस लग जाता है और ये फंगस ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रेड होके धीरे धीरे हमारे सारे प्लांट को ख़त्म कर देता है। पर कभी कभी हम प्रूनिंग नहीं करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हमारे प्लांट को लग जाती है और हमारे पूरे प्लांट को ये ख़त्म कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर से जब भी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे प्रूनिंग करनी है आपको। 45 डिग्री के एंगल पे प्रूनिंग करने से जो मॉइस्चर है वो बहुत देर तक हमारे प्लांट के टिप पर नहीं रुकता है, जिससे कि फंगस इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। का जो सोल्यूशन है कि आप जब भी प्रूनिंग करते हैं प्लांट की, तो ऊपर से आप किसी फंगीसाइड को पानी में घोल कर उसके टिप पर लगा दीजिए। जो दूसरा काम हमें करना है कि अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे गुलाब के पौधे पर आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें जो हिस्सा प्लांट का डेड हो गया है उसे आप कट करके निकाल दीजिए। इसको मैंने कट करके निकाल दिया है। के बाद आपको अपने प्लांट की मिट्टी की कुड़ाई करके इसको धूप में रख देना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है। धूप से जो हमारा फंगस है वो अपने आप ही मर जाता है। 90% केस में जो है वो हमारा फंगस अपने आप ही धूप की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके प्लांट में फंगस लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप प्लांट को धूप वाली जगह पे रख दीजिए और उसमें वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास घर में कोई फंगीसाइड है तो आप उसे पानी में घोलकर इसके टिप पर लगा दीजिए। हम सबके पास फंगीसाइड नहीं होता है। ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए आपके पास जो घर में ही एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है वो है हल्दी पाउडर। जब भी आप कोई प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो हल्दी को पानी में घोलकर उसके टिप पर लगा दीजिए। अभी हम यहाँ पर हल्दी को घोलकर इसके टिप पर लगा देंगे। वाटरिंग बंद करने से फंगस को मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और तेज़ धूप में रखने से भी जो फंगस है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। प्लांट की मिट्टी की कुड़ाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर प्लांट की मिट्टी में मिला दूंगी, ताकि मिट्टी में अगर कोई फंगस है तो वो भी ख़त्म हो जाए। हल्दी एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, चाहे आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस लग रहा है या फिर आपके प्लांट के ऊपर फंगस लग रहा है। पानी में घोलकर इसका स्प्रे करने से भी हमारे पौधे पर कोई फंगस या फिर इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं और प्लांट हल्दी रहता है। तो ये हल्दी जो है आधे चम्मच के आसपास मैं अपने प्लांट की इस मिट्टी में इसकी कुड़ाई करके अच्छे से मिला दूंगी। इसके साथ ही ये मोटा मोटा हल्दी का लेप बनाकर आप प्लांट के टिप पर लगा दीजिए, जहाँ से आपने कटिंग की है इसकी। इस हल्दी के लेप को आपको अच्छे से अपने प्लांट के अराउंड लगा देना है, जहाँ पर भी इसमें डाई बैग की समस्या आ रही है, ताकि प्लांट की ये प्रॉब्लम यहीं पर रुक जाए और प्लांट जो है वो हमारा दोबारा से हेल्दी हो जाए। फ्रेंड्स, ये कुछ 10 दिन के बाद का अपडेट है। फाइनली जो मेरा गुलाब का पौधा है वो बच गया। इसकी जो एक और ब्रांच थी जिसको मुझे कट करके निकालना पड़ा, और आप देख सकते हैं कि ये हल्दी का निशान अभी भी बना हुआ है और ये सिर्फ ग्राफ्टिंग नोड बच गया इसका, जिसके ऊपर से ये दो सुंदर शूट्स निकल कर आ गए हैं।
तो फाइनली इसकी केयर करने के बाद हमारा प्लांट आखिर बच ही गया। इसी तरीके से अगर आपका कोई प्लांट खराब हो रहा है तो आप थोड़ी सी कोशिश करके अपने प्लांट को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही फंगीसाइड ले और उसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करें तभी आपका प्लांट बचेगा। आप घर की कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जैसे ही दिखता है कि आपका प्लांट खराब होने लगे तो जो मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताई हैं आप उनका ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपका प्लांट बच जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।